पूरा मामला जिला कलेक्ट्रेट परिसर कार्यालय बांदा का है, जहां पर दिन मंगलवार को पीड़ितगढ़ साकिन मौजा ग्योड़ी बाबा नई बस्ती थाना कोतवाली नगर जिला बांदा के निवासी हैं। पीड़ित गढ़ों के गांव में ना तो सड़क है, ना लाइट है, ना पीने का पानी की सुविधा है। पीड़ित गढ़ों को बरसात के मौसम में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बरसात में जगह जगह गड्ढे हैं, जिसमें ग्रामीण आदि गड्ढे में गिर जाते हैं और उनको काफी चोटें भी आ जाती हैं, तथा अंधेरा होने के कारण लोगों को कीड़े मकोड़े भी परेशान करते हैं और गंदा पानी पीने से गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है, प्रकरण को संज्ञान में लेकर ग्रामीणों की शिकायतों का निवारण करते हुए गांव में लाइट, पानी, सड़क बनवाने का आदेश दिया जाए। और इस मौके पर शालिनी पटेल, जेडीयू नेत्री रानी कुसुमा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। पार्वती, कहाँ से आई हो? गोली बाबत। क्या समस्या है, क्यों आई आज यहाँ पर? कोई सुनवाई नहीं हो रही। और भी समस्याएं हैं? पानी और रास्ते की समस्या है। कितने परिवार लगभग परेशान इस समस्या से? 300-400 घर हैं। इससे पहले कोई अधिकारियों से मिली हो आप लोग? आए दिन लौट रही हो, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आज जिलाधिकारी के पास फिर से आई थी आप? कुमारी। हाँ, दे कुमारी, कहाँ से आई हो? घोड़ी बाबा। घोड़ी बाबा, अच्छा। थाना क्या लगता है, कोतवाली नगर? क्या समस्या है, किस बात को लेकर के आज यहाँ जिलाधिकारी के पास आई थी? रोड की समस्या से आए। क्या समस्या आ रही? रोड में पानी भरा है, बिल्कुल गिलाव है, बिल्कुल ताला की नाई बनी और रोड पे कोई सुनाई नहीं कर रहा, ना कोई नल दे रहा हो हमको पानी पीने के। अच्छा। ना पिए किया ना हमको रोड आ। लगभग कितने गांव हैं वहां पर? वहां पर काफी नई बस्ती पूरी है। नई बस्ती में लगभग कितने लोग होंगे वहां पर? 300-400 कह रहे हैं। सभी को यही समस्या है? कब से ये समस्या है आप लोगों को? 20 साल से। तो किसी अधिकारियों से आप मिली थी इससे पहले? एक बार आया था, नहीं मिला। हम नहीं जानते, नहीं मिले, हम पहली बार आए।